नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, भारतीय टीम के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में दोहरा शतक जड़ दिया है। रोहित ने कमाल की पारी खेलते हुए 249 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। रोहित ने छक्का जड़कर अपना दोहरा शतक पूरा किया और वो ऐसे पहले भारतीय है। रोहित ने इस पारी में 255 गेंद में 212 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 28 चौके और 6 छक्के जड़े। रोहित ने इस जबरदस्त पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। रोहित शर्मा ने टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 249 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया और इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। नंबर 2, रोहित इस पारी के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में मोहम्मद अजहरुद्दीन का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नंबर 3, रोहित ने इस पारी के दौरान एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। नंबर 4, रोहित ने बतौर ओपनर किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी बनाया। नंबर 5, रोहित ने इस पारी के दौरान टेस्ट चैंपियनशिप में छक्कों के मामले में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। नंबर 6, रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस साल सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ गए हैं। नंबर 7, रोहित ने टेस्ट चैंपियनशिप में अधिक औसत दर्ज करने के मामले में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रोहित ने इस शानदार पारी से अपने आप को साबित कर लिया है। उन्होंने इस पारी के दौरान सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।